नमस्कार। अपनी मांगों को लेकर पंचायत सचिव अभ्यर्थी पिछले 15 दिन से राजभवन के सामने धरना दे रहे हैं। आज इनसे सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो मुलाकात करने आए। अभ्यर्थियों ने एक मांग पत्र भी उनको सौंपा है। मांग पत्र में क्या है और कहां तक ये आंदोलन पहुंचा है, इस बारे में जानते हैं। पहली बात तो जो आप अपने मांग पत्र सौंपा है, क्या है? देखिए, सबसे पहली बात है कि उस मांग पत्र में हम लोग जितना भी अभी तक हमारी प्रक्रिया हुई है, जितना भी नीतिगत प्रक्रिया हुई है, जिसके तहत हम लोगों ने आगे बढ़े और हमारी प्रक्रिया भी आगे बढ़ी, उस सारे चीज़ों का उसमें एक समावेशन है, जिसमें कि ये कंप्लीट मैंने स्पष्ट किया गया है कि हमारी जो मांग है वो नीतिगत बिल्कुल जायज़ है और हम हमेशा न्यायालय के शरण में रह करके न्यायालय के अनुसार ही हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ी है, जिसमें कि आयोग कार्मिक विभाग भी आगे बढ़े थे। अंत समय पता नहीं क्या हुआ, सडनली जो है राज्य सरकार के द्वारा हमारे विज्ञापन को आरित करने की काम की गई, वो काफ़ी शॉकिंग है। हम लोग भी पिछले लगभग में 20-22 दिन से आंदोलनरत है यहाँ पे। हमारी यही मांग है सरकार से कि किसी भी प्रकार से हमारी नियुक्ति कराई जाए। हमारी नियुक्ति पिछले 5 साल से फंसी हुई है। हम लोग सारी प्रक्रिया 2019 के सितंबर में ही पूरी कर चुके हैं। अगर नए सिरे से नियुक्ति की प्रक्रिया निकाली जाती है तो जितने भी अभ्यर्थी जिन्होंने क्लियर कर लिया था एग्ज़ाम, उसमें से कितने ऐसे हैं जो दोबारा पात्रता रख पाएंगे लेने के? हमें लगता है कि इसमें 90% कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनका एज पार हो गया है, मतलब उम्र लेप्स कर गया है, और हमको लग रहा है कि 5-7% दोबारा इसमें क्वालिफाई करने पाएंगे, 5-7% ही कर पाएंगे। इस बारे में सरकार से कुछ बात हुई? एक तो बात वही है कि आप लोग पहली मांग कर रहे हैं नियुक्ति की ही जी। अगर सरकार इसी जीत पर अड़ी रह गई कि नहीं हम नए सिरे से करेंगे, क्या बातचीत हुई है सरकार से उनके प्रतिनिधियों से? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग विगत 2 वर्षों से लगातार सीएम हाउस में, इवन सीएमओ में भी हम लोग मिलने के लिए बार बार अपॉइंटमेंट लेटर हम लोग लेने का कोशिश किए, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग मिलने नहीं पाए। और मिले हैं ऐसे जहाँ जनता दरबार में मिलते हैं सर, वहीं पर हम लोग मिले, लेकिन वहाँ पर बात हम लोग का उतना अच्छा से सुना नहीं गया, मतलब बात को अच्छा से तवज्जो नहीं दिया गया, और अंततः यह हुआ कि हम लोग का अपॉइंटमेंट को रद्द करने का काम किया गया। सरकार टिकी है, मतलब आप लोगों की जो भी मांग है सरकार क्या कह रही है, मतलब थोड़ा सा भी लग रहा है कि वो लोग वापस से इस चीज़ के नियुक्ति की तरफ आ रहे हैं या किस टाइप की बातें हो रही है? देखिए, अभी आपका 29 तारीख से 16 जनवरी तक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हुआ था, और ये वर्तमान की जो सरकार है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हर जो भी हमारे मंत्री थे वो अपने अपने क्षेत्र में गए भ्रमण किए। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो अपने क्षेत्र में गए दुमका बरहेट में, तो हमारे प्रतिनिधि भी वहाँ उनसे मिले, वो हमारी मांग पत्र को देखे और बोले कि हम इस पर पॉजिटिव डिसीजन लेने जा रहे हैं, आप लोग आंदोलन वगैरह मत कीजिए। तो हम लोग भाई इनके बातों से काफ़ी संतुष्ट हुए, हमें ऐसा लगा कि हमारी नियुक्ति कम्प्लीट हो जाएगी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी जब इस पर हामी भर दिए हैं तो हमारी नियुक्ति निश्चित रूप से अब पूरी हो जाएगी। लेकिन अचानक क्या हुआ कि उसके जस्ट सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम पूरा हुआ और 3-4 दिन के बाद में 19 तारीख को इस प्रकार के विज्ञापन में जो है वो संकल्प संख्या आपका 229 जारी कर दिया गया, जिसमें ये लिखा हुआ था कि 13 जिला में जो 5th ग्रेड से नियोजन की बनाई गई थी उसे जो है वो आहरित कर ली गई, और उसे सारी जो भी विज्ञापन है वो सारे विज्ञापन को रद्द कर दी गई या फिर आहरित कर दी गई। तो उससे संबंधित हमारी जो विज्ञापन है उससे प्रभावित होती है, हालांकि उसमें भी हमारी जो नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सरकार अभी भी अगर आयोग जो फार्मूला दिया है कि 5th ग्रेड को इग्नोर करके किस प्रकार 2400 डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट जारी किया जा सकता है, उस पर अगर कायम रहे तो हमारी निश्चित रूप से अभी भी प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है और हमारी सभी जिलों में झारखंड के 2400 डिस्ट्रिक्ट में नियुक्ति प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाई बने पूरी की जा सकती है। इन्होंने जो भी कहा कि जो भी आयोग कह रहा है या इस फॉर्मूले पे 24 जिलों का रिजल्ट जारी कर दिया जा सकता है, तो फिर कहाँ मामला फंस रहा है आयोग भी अगर ये कहें? देखिए सर, मामला एक्चुअल में फंस नहीं रहा, मामला इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की, चूँकि इन्हीं का कार्मिक विभाग विगत 16 जुलाई 2021 को एक 3260 पत्रांक संख्या एक लेटर था, तो वो लेटर से JSSC में एक फार्मूला मांगा था कि आपके पास अगर कोई फार्मूला है तो उस फार्मूला से मुझे अवगत कराया कि किस तरह से आप 2400 जिला का रिजल्ट जारी कर सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के लार्जर बेंच के जजमेंट का पैरा 66 में जो 5938 जो दिया हुआ था उसको इग्नोर करते हुए, तो JSSC ने क्या किया कि 23 जुलाई को एक फार्मूला उनको दिया कार्मिक विभाग को कि आप जो है पुनः लिंक ओपन करके 11 जिले वाले को
13 जिले वाले में उसमें कहीं भी उन लोग को कोई डिस्ट्रिक्ट चूज करने का मौका दे, इस तरह से सबको समान अवसर भी मिलेगा और सभी का रिजल्ट जारी भी हो सकता है। तो इस पर अभी सुनने में आया कि इस पर बात नहीं बनी, यानी जो है कार्मिक विभाग में हम लोग पता करा तो बोला गया कि नहीं सरकार के स्तर से इस पर बात नहीं बनने पाया, इसलिए फिर इसको हम लोग रद्द करने का काम किया। अब आगे क्या रणनीति होगी, आंदोलन को 15 दिन हो गए, आप लोग सरकार से बातचीत कर चुके हैं, तमाम बाकी रणनीति देखिए जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती हम लोग इसी तरह डटे रहेंगे, और जैसा कि पंचायत सचिव अभ्यर्थी लगातार मंत्रियों से मिल रहे हैं, विधायक से मिल रहे हैं, इससे यह तो स्पष्ट है कि सरकार को सब कुछ पता है, सरकार को यह भी पता है कैसे नियुक्ति हो सकती है। सभी मंत्री के पास मैसेज जा रहे हैं, सब लोग मिल रहे हैं, सब गिड़गिड़ा रहे हैं, सरकार को सब कुछ मालूम है। अब हमारी हम लोगों की यही आगे की रणनीति है कि जो कैबिनेट की बैठक है उसमें ध्यान को आकर्षित कराने के लिए हम इस आंदोलन को बहुत बड़ा करेंगे और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर इस नियुक्ति में किसी तरह का अड़चन नहीं है, बस अड़चन है तो केवल सरकार की इच्छा शक्ति के कारण। तो देखिए तमाम अभ्यर्थियों से जो बातचीत हमारी हो रही है उनका यही कहना है कि अड़चन कुछ नहीं है, अड़चन बस इस बात की है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। इनका ये भी कहना है कि अगर नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया निकाली जाती है तो महज 6-7% अभ्यर्थी ही दोबारा आवेदन करने की पात्रता रख पाएंगे, बाकी सारे लोगों की उम्र सीमा समाप्त हो जाएगी। 5 साल का इंतजार है और अभी भी ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ तो सकारात्मक होगा। इजाजत दीजिए, सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज द फॉलोअप रांची। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.